हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज के इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 4, इंडियन इकोनॉमी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए बच्चों के हमारा ह्यूमन कैपिटल्स क्या है, हमारी स्किल्स, हमारी नॉलेज, हमारी एबिलिटीज, ये सारी चीजें हमारी ह्यूमन कैपिटल होती हैं। और उसकी फॉर्मेशन अगर हो तो इसे कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में क्या अंतर है? फिजिकल कैपिटल मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, ये आपकी फिजिकल कैपिटल है, लेबर नहीं। और आपकी जो ह्यूमन कैपिटल है वो आपकी स्किल्स है, नॉलेज है, एबिलिटीज है। ह्यूमन कैपिटल कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती है, लेकिन फिजिकल कैपिटल हमेशा डेप्रिशिएट होती है। तो इनकी डेफिनेशंस और इनके एग्जांपल के साथ इन दोनों में डिफरेंस रेडी करिए। नेक्स्ट है बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट, जिसे कहते हैं कि भाई मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के साथ साथ सोर्सेज भी पता हो। तो मीनिंग तो मैंने अभी आपको बताया था, इट इंक्लूड्स द एबिलिटीज, स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसके सोर्सेज बहुत सारे हैं। हमारी बुक में अगर एनसीईआरटी में सोर्सेज की बात करें तो पहला सोर्स अगर एनसीईआरटी में दे रखा है और वो है बेटा एक्सपेंडिचर्स ऑन एजुकेशन, दूसरा है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, तीसरा है ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स, नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, और नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर इंफॉर्मेशन। कंज्यूमर इंफॉर्मेशन ना बोलकर केवल इंफॉर्मेशन बोलेंगे तब भी बिल्कुल सही है। तो अगर हमारी सरकार इन 5 सोर्सेज पे खर्चा करे, एक्सपेंडिचर्स करे बच्चों, तो हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा एक्सपेंडिचर्स ऑन एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा पावर है बच्चों जो हमारी दुनिया बदल देता है। तो अगर एजुकेशन पे सरकार खर्चा करे, फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, फ्री एजुकेशन कर दे, मैंडेटरी कर दे, तो इससे क्या होगा, इस एक्सपेंडिचर से हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगा। ऐसे ही हेल्थ, कहते हैं ना हेल्दी बॉडी मेक्स अ हेल्दी माइंड। तो अगर हमारी बॉडी हेल्दी है, अगर हम हेल्दी है, हमें कोई बीमारी नहीं है, तो हम वर्क भी अच्छा करेंगे और हमारी जो एबिलिटीज है, स्किल्स है, नॉलेज है, वो हमारी जस्ट डबल हो जाएंगी, बिकॉज हमारे हेल्थ का हमारी काम पे बहुत असर पड़ता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अगर हमारी सरकार हमें बीच बीच में वर्क एनवायरमेंट में ही ट्रेनिंग दे ताकि हम नई टेक्निक्स, नई स्किल्स को सीखे, तो इससे भी बेटा एक सोर्स क्रिएट होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। और जो हमारा टैलेंट रूरल एरियाज में है उन्हें माइग्रेट करके अर्बन एरिया में लाए, तो इससे भी एक सोर्स क्रिएट होता है ह्यूमन कैपिटल का। और लास्ट बट नॉट लीस्ट सोर्स ये है हमारा एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन पे अगर खर्चा करें, लोगों को अनअवेयरनेस जो है उनको अवेयर करें अबाउट द वैल्यूज ऑफ एजुकेशन, वैल्यूज ऑफ हेल्थ थिंग्स, वैल्यूज ऑफ माइग्रेशन, दीज ऑल थिंग्स की उन्हें वैल्यू दी जाए, तब भी इससे भी हमारे देश में एक सोर्स क्रिएट होता है ह्यूमन कैपिटल का। अब ह्यूमन कैपिटल का इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्वाइट करती है या प्ले रोल करती है कि भाई जितना हमारा ह्यूमन कैपिटल ग्रो करेगा हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, बिल्कुल करेगी। आई टोटली एग्री एंड यू ऑल्सो शुड टोटली एग्री बच्चों। अगर हमारी एबिलिटी, स्किल्स, नॉलेज बढ़ेंगी तो हमारा वर्क एनवायरमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, हमारी अर्निंग बढ़ेगी और इससे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, क्योंकि हमारी इनकम ही हमारे देश की नेशनल इनकम है। इन सबसे हमारे नेशनल इनकम जब ग्रो होगा बच्चों, तो इससे हमारी जो इकोनॉमी है वो डेवलप करेगी और इकोनॉमी ग्रो होगी। नेक्स्ट है बच्चों क्या, नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई हमारे जो आपको लगता है कि वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि भाई रोल क्या है हमारी ह्यूमन कैपिटल का, तो बहुत अच्छा रोल है। इससे इफेक्टिव रोल से क्या होगा, हमारे देश में इनोवेशन होंगे, इन्वेंशन होंगे, हाई प्रोडक्टिविटी होगी बच्चों ह्यूमन कैपिटल से, मॉडर्नाइज होगा, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा, साथ में बच्चों हमारे देश की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। तो इसकी प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, हमारे देश में सब कुछ है बट रिसोर्सेज पब्लिक के अकॉर्डिंग इनएफिशिएंट है। दूसरा, हमारे देश में ब्रेन ड्रेन होता जा रहा है बच्चों, जो भी ब्रेन है वो यहाँ इंडिया में उतनी फैसिलिटीज नहीं होने की वजह से दूसरी कंट्री में जाके ड्रेन हो रहा है। पॉपुलेशन इज वन ऑफ द रीजन, लैक ऑफ एजुकेशन प्रॉपर फैसिलिटीज भी एक रीजन है कि हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन कैपिटल इज द डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज, स्किल्स, नॉलेज, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इज द
ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, तो नैरो कॉन्सेप्ट ह्यूमन कैपिटल का है और ह्यूमन डेवलपमेंट हमारा एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखेंगे। कम से कम दो डिफरेंस रेडी करेंगे। अगर एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए और वो आपसे पूछे इज देयर इज नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द प्लेस ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ इन आवर कंट्री, आप बोलेंगे यस, और पूरा बताएंगे कि एजुकेशन और हेल्थ कितना ज्यादा प्ले रोल करता है हमारे देश के इनोवेशन इन्वेंशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तो इंटरवेंशन बिल्कुल जरूरी है। हेल्थ के लिए सरकार ने कौन सा रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया, ACIICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, याद रखेंगे। एजुकेशन की अथॉरिटी है NCERT, UGC और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इन सब अथॉरिटीज का नाम याद रखेंगे बच्चों। बेसिक एजुकेशन जो हमारी सरकार देती है, थोड़ा इसके बारे में भी नॉलेज रखिए। एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया क्या परसेंटेज एक्सपेंडिचर हमारी सरकार कर रही है और क्या एक्सपेंडिचर उसको और करना चाहिए। तपस मजुमदार कमेटी जो हमारी इंडिया की कमेटी 1998 में आई थी, एक्सपेंडिचर्स एंड इट गेव राइज टू द एजुकेशन टू 6 to 14 years पीपल, तो तपस मजुमदार को याद रखेंगे। और ये सारे पॉइंट्स आपको भूलने नहीं है, और इस इतने पॉइंट्स के साथ हम अपना चैप्टर खत्म करेंगे। एक बार केवल कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं, ह्यूमन कैपिटल फिजिकल कैपिटल में अंतर, ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन डेवलपमेंट में अंतर, क्या ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्ले करता है इसको याद रखना है, ह्यूमन कैपिटल के सारे सोर्सेज, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, इज देयर इज नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज ह्यूमन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर, तो ये पूरी बातें याद रख के चैप्टर को वाइंड करिए, तैयार करिए। कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछिए। और बच्चों क्या करना है आपको, आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर बहुत सारी जगह करना है। बाय बाय।